वेलकम बैक। मेरा नाम है कपिल जैन और आज हम बात करने वाले हैं iOS 15 के बारे में, किसके अंदर कौन सी सेटिंग्स आपको डिसेबल करनी चाहिए फॉर बेटर सिक्योरिटी, प्राइवेसी एंड इवन बेटर बैटरी लाइफ। तो चल, वैसे ये सब इससे पहले एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। वैसे ये मैं वीडियो शूट करना चाहता था मेरे iPhone 13 Pro Max में, जिसकी डिलीवरी आज ही एक्सपेक्टेड थी, लेकिन ब्लू डार्ट का ट्रैकिंग देख के ऐसा कुछ लगता नहीं है कि ये आज डिलीवर हो पाएगा। तो क्योंकि अभी तक ये बॉम्बे में अटका हुआ है ना, आई एम फ्रॉम गुजरात, अभी तक बॉम्बे से निकला नहीं है, जो कि लेकिन एक्सपेक्टेड डेट एज पर ब्लू डार्ट इट्स स्टिल ऑन 24th। तो चलिए कुछ नहीं, मैं इसको अपने 11 प्रो मैक्स के ऊपर ही करता हूँ, क्योंकि बेसिकली इसके अंदर भी मैंने iOS 15 अपग्रेड कर चुका हूँ। तो चलिए देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या सेटिंग्स हमको करनी चाहिए फॉर बेटर सिक्योरिटी। तो सबसे पहले आपको जाना है सेटिंग्स में, और उसके बाद इसके अंदर जाना है प्राइवेसी। प्राइवेसी में जाके ट्रैकिंग के अंदर, और ट्रैकिंग के अंदर इसके अंदर आपको ये पूरी एप्स की लिस्ट मिल जाएगी, कौन सी ऐप आपको ट्रैक करती है। तो अब जैसे मेरे में ज़्यादातर सबको मैंने ऑलरेडी डिसेबल करा हुआ है, एक ये आई थिंक माय सन इंस्टॉल्ड फ्री फायर, तो उसके अंदर उसने एनेबल कर दिया था, इसको ऑफ कर देते हैं। तो बेसिकली अब मेरे को कोई भी ऐप ट्रैक नहीं कर सकती मेरा डेटा को, ये मेरी लोकेशन, मेरे मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ क्या नहीं। और इसके अंदर एक और ऑप्शन है, अलाउ एप्स टू रिक्वेस्ट टू ट्रैक, तो इसको ऑन रखिए। मतलब इससे क्या होगा, अगर कोई ऐसी पर्टिकुलर ऐप है जिसको आप चाहते हैं कि वो आपको ट्रैक कर सके, तो वो आपसे जब भी आप ऐप इंस्टॉल करेंगे और उसको फर्स्ट टाइम रन करेंगे तो ऐप विल आस्क। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको ट्रैक नहीं करे कोई भी है, तो आप इसको डायरेक्टली ऑफ कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब इसके बाद जाते हैं प्राइवेसी में ही लोकेशन सर्विसेज। अब लोकेशन सर्विसेज के अंदर भी आपको पूरी एक लिस्ट मिल जाएगी, आप जैसा स्क्रीन पे देख ही रहे हैं कि, तो इसके अंदर सबसे पहले आपको एक चीज करना है ऑलवेज, तो आपको किसी भी ऐप में अलाउ नहीं करना है एक्सेप्ट फॉर फ्यू लाइक फाइंड माय आईफोन, ये इस तरीके की जो है उसके ऊपर भी हम आगे आएंगे। तो इसके अंदर आप देख लीजिए ज़्यादातर ऐप में आप यही रखिए वाइल यूजिंग, वो भी अगर आप चाहते हैं कि वो आपको आपकी लोकेशन जान सके। जैसे सपोज मैंने गूगल मैप्स है और एप्पल का मैप है, उन सब में मैंने लिखा है वाइल यूजिंग, जब मैं उस ऐप को यूज़ नहीं कर रहा हूँ तो आई डोंट वॉन्ट दैट ऐप टू ट्रैक माई लोकेशन, क्योंकि उससे बैटरी बहुत जल्दी उतरती है। तो ये आप कर दीजिए, मतलब इसके अंदर देखिए इतनी सारी ऐप है, सब में मैंने वो डिसेबल करके रखा हुआ है। फिर अब इसके बाद इसी में आते हैं नीचे सिस्टम सर्विसेज। सिस्टम सर्विसेज के अंदर ये देखिए एप्पल पे मर्चेंट आइडेंटिफिकेशन, एप्पल पे हमारे इंडिया में है ही नहीं तो उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। कंपास कैलिब्रेशन, आप कंपास को कितनी बार कैलिब्रेट करते हैं, जब यूज़ करना तब कर लीजिए। फिर डिवाइस मैनेजमेंट, ठीक है उसका आप रखना चाहें तो रखें। फाइंड माई आईफोन को आप एनेबल रखिए, कभी आपका आईफोन खो गया कुछ हो गया आपको ट्रैक करना है तो आप उससे कर सकते हैं। होम किट अगर आप यूज़ करते हैं तो उसकी ज़रूरत है, नहीं तो नहीं है। इमरजेंसी कॉल्स को भी आप रखिए एनेबल, जिससे कि इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको 3 times जो राइट हम पावर बटन दबा के इमरजेंसी का सेटिंग होता है, अगर आपने वो ऑलरेडी नहीं करा था वो कर लीजिएगा, वो एक अच्छा फीचर है तो वो कर सकते हैं। डिवाइस मैनेजमेंट आई एम नॉट 100% श्योर, सो लेट इट बी एनेबल्ड। लोकेशन बेस्ड अलर्ट्स, ये अगर आप ऐसा कोई फीचर चाहते हैं यूज़ करना तो कर सकते हैं। मतलब इस तरह से सारे ऑप्शंस हैं जो आपको ज़रूरत लगे वो कर। वाईफाई कॉलिंग, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। ये वाईफाई कॉलिंग आपको तभी चाहिए जब आप सपोज आपको फ्रीक्वेंटली आपका वाईफाई नेटवर्क चेंज होता रहता है, मेनली नॉट इवन वाईफाई नेटवर्क, अगर आप कंट्री चेंज होता है, क्योंकि कंट्री वाइज के वाईफाई की सेटिंग्स अलग होती हैं, तो उस कंडीशन में आपको वाईफाई कॉलिंग को इनेबल रखने की जरूरत है, नहीं तो नहीं। सेटिंग टाइम जोन, कि आप अलग अलग टाइम जोन में बार बार ट्रैवल करते हैं, इंडिया में तो एक ही टाइम जोन है, अगर आप फ्रीक्वेंटली करते रहते हैं इंडिया के अब्रॉड आते जाते रहते हैं तो फिर आप उसको इनेबल कर सकते हैं। शेयर माई लोकेशन, वो भी ये कि भाई अगर आप किसके यहाँ पर लोकेशन शेयर करते हैं कुछ करते हैं तो। सिस्टम कस्टमाइजेशन, उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। नेटवर्किंग एंड वायरलेस नॉट रिक्वायर्ड, मतलब ज़्यादातर कोई भी चीज़ इसमें रिक्वायर्ड नहीं है, तो ये आप कर दीजिए, इससे आपकी बैटरी की लाइफ काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगी। फिर सिग्निफिकेंट लोकेशंस, ये देखिए ये सिग्निफिकेंट लोकेशंस में
एप्पल मेरे को कंटिन्यूसली ट्रैक कर रहा है मैं कहाँ जाता हूँ, कहाँ नहीं कहाँ नहीं। तो इसमें बैटरी भी जाती है और हम अपनी डिटेल्स क्यों शेयर करें किसी के भी साथ। तो क्लिक ऑन डिसेबल, टर्न ऑफ, सिग्निफिकेंट लोकेशन हमको किसी को नहीं देना है, और क्लियर हिस्ट्री, ये हो गया। फिर अब आ जाते हैं प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट। प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट ये भी बिना वजह की बैटरी खाएगा। ये क्या करता है कि एप्पल हमारा डेटा लेता रहता है, तो इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। राउटिंग और ट्रैफिक, ये खाली एप्पल मैप्स के लिए। एप्पल मैप्स तो आपको मालूम है कि हाउ गुड इज इट इज़। तो एप्पल मैप्स तो हम यूज़ नहीं करते, गूगल मैप्स ही यूज़ करते हैं, तो उसको भी इम्प्रूव मैप्स, इम्प्रूव कुछ नहीं करना हमको, तो दैट्स इट। ओके, अब इसके बाद आते हैं प्राइवेसी में ही वापस से, एनालिटिक्स एंड इम्प्रूवमेंट्स। अब ये पूछ रहा है शेयर आईफोन एंड वॉच एनालिटिक्स। ये आप देखिए खाली एनालिटिक्स का डेटा, कितना डेटा है, मतलब इसको आप स्क्रोल करते जाइए डेटा ही डेटा है। तो हमको ये डेटा सारा नहीं देना है, मतलब बिना वजह क्यों हम वो करें। तो जाके ऊपर सीधा शेयर आईफोन एंड वॉच एनालिटिक्स, ठीक है, इससे हमारी बैटरी और स्पेस दोनों बचेंगे। फिर एप्पल एडवर्टाइजिंग, पर्सनलाइज एड्स को डिसेबल रखिए। इससे क्या हो जाता है कि अगर पर्सनलाइज एड्स आप इनेबल कर देंगे तो ये सारा डेटा, मतलब आपका क्या इंटरेस्ट है किस चीज़ों में, ये सारा डेटा एप्पल के पास जाता है, जो इन टर्न वापस से जाता है एडवर्टाइजर के पास। तो अब वो एडवर्टाइजर आपको पहचान गया, आपकी डिटेल्स जान गया, तो वो क्या करेगा, आपसे रिलेटेड ऐड करेगा। तो इसका मतलब नंबर ऑफ एड्स जो आप देखेंगे एप्पल की तरफ से वो बढ़ेंगे। पर हमको ऐड चाहिए नहीं ना, हमको शांति की ज़िंदगी चाहिए और हमारी बैटरी भी बचानी है, तो इसको डिसेबल कर दें। अब वापस प्राइवेसी के अंदर रिसर्च सेंसर एंड यूजर डेटा में जाते हैं। इसके अंदर ये एनेबल नहीं करना, इसको हमको डिसेबल ही रखना है। ये एनेबल सेंसर एंड यूजर्स डेटा कलेक्शन, मतलब ये बेसिकली हमारा डेटा एप्पल को भेजते हैं, तो हमको वो नहीं भेजना है। फिर अब सेटिंग्स में आ जाइए वापस से, और इसके अंदर जाइए मेल में। ये एक्चुअली में iOS 15 का नया फीचर है, जो हमारे पास जो भी मेल्स आती हैं, तो उस मेल्स के अंदर कुछ जो सेंडर्स होते हैं उसके अंदर कुकी एक पिक्सल ऐड कर देते हैं, जिससे कि सारा डेटा वो उसको, मतलब जो सेंडर को मिलता है कि भाई इस बंदे ने कब मेल खोली, कौन सा ब्राउज़र, सारा डेटा हमारे बारे में जाता है। तो ये इसके अंदर, लेकिन iOS 15 में एक नया फीचर ऐड करा है प्राइवेसी का, तो वो हमको ये देख, प्राइवेसी प्रोटेक्शन में जाइए, प्रोटेक्ट मेल एक्टिविटी, इसको हमको इनेबल करना है। इससे पहले जो भी था वो हम डिसेबल कर रहे थे, लेकिन ये पर्टिकुलर जो है ये हमको इनेबल करना है, जिस ये हमको प्राइवेसी ज़्यादा देता है। फिर मेल में ही एक और चीज़ है अकाउंट्स। अब अकाउंट्स में अंदर जाके फैच न्यू डेटा जो है उसके ऊपर जाइए, इसके अंदर पुश को कर दीजिए डिसेबल। उससे क्या होगा, पुश को करिए डिसेबल और फैच के अंदर एवरी 30 मिनट्स। ये पुश में क्या होता है, हर थोड़ी देर में हमारा मोबाइल समेल सर्वर पे कनेक्ट करेगा, पूछेगा मेल आई है भाई, कोई नई मेल आई है, तो नहीं हमको वो नहीं चाहिए, तो हम इधर जाके इसको पुश को डिसेबल कर दिया है। और जब मेल फैच करना है उसको एवरी 30 मिनट्स, इट्स लाइक यूजुअली इनफ फॉर जनरल यूजर, तो उसको 30 मिनट्स। अब ये जो चीज करते हैं ना, इससे आपकी बैटरी लाइफ बहुत अच्छी तगड़ी इंप्रूव होगी, तो ये आप जरूर करिएगा। और तो आई थिंक ये पार्ट वन के लिए इतना ही, मैं इसका पार्ट टू भी बहुत जल्दी डालूंगा, जिसके अंदर और सेटिंग्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं करा है तो लाइक कर दीजिए, और लाइक कर चुके हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको कोई और स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो कमेंट्स में बताइए, आई विल ट्राई टू आंसर देम टू माई लेवल बेस्ट। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।